तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको ये जो प्रॉब्लम रिपेयर करके देखूंगा। तो दोस्तों ये LG अल्ट्रा स्लिम टीवी का एक फॉल्ट है और दोस्तों ये हॉरिजेंटल लाइन फॉल्ट है। तो हॉरिजेंटल लाइन जब आ जाएगा तो दोस्तों वो कौन सेक्शन का फॉल्ट है, तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। जब वर्टिकल लाइन मतलब ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो वर्टिकल लाइन, तो उसका मतलब वो हॉरिजेंटल सेक्शन का फॉल्ट है। तो आज आपको ये वीडियो प्रैक्टिकली रिपेयर करके देखूंगा। और उसका पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हॉरिजेंटल लाइन स्क्रीन का मिडिल से लेफ्ट और राइट साइड स्ट्रेट देखा जाता है, बट दोस्तों ये जो लाइन देखिए थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो ये कौन पार्ट्स प्रॉब्लम से हो सकता है आपको प्रैक्टिकल करके देखूँगा। और उसका पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल सब कुछ फ्री में, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक ये चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और एक टेलीग्राम चैनल लिंक, एक ग्रुप लिंक और इंस्टाग्राम लिंक भी आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा लिंक क्लिक करके, और उसका बाद टेलीग्राम ग्रुप पर आप लिंक क्लिक करके आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। उसका पहले दोस्तों प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, व्हाट्सअप जैसा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों मैं शुरू से ही आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम किस तरह आता है। तो LG कंपनी का अल्ट्रा स्लिम टीवी है 21 इंची का। तो मैं सप्लाई दे दिया और स्टैंड बाई मोड पर यह है। तो चलिए स्टैंड बाई से ऑन करके एक बार देखा था आपको। स्टैंड बाई से मैं ऑन किया और आप अच्छा करके स्क्रीन के अंदर फॉलो कीजिए कि देखिए दोस्तों इस तरह ओनली एक लाइन स्क्रीन पर शो हो रहा है, कुछ भी पिक्चर नहीं है, स्ट्रेट लाइन, बट ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है। आप अच्छा करके ध्यान दीजिए, जो स्क्रीन जो पिक्चर का मिडिल इस तरह अधिक प्रॉब्लम देखा जाता है, बट ये बहुत ऊपर है। तो ये कौन पार्ट्स प्रॉब्लम से हो सकता है आपको वीडियो के अंदर पूरा देखाऊंगा। आप अच्छा करके देखिए, टीवी के ऊपर देखिए अल्ट्रा स्लिम लिखा है। तो चलिए इसका बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो इसका बैक कवर मैं ओपन किया, आप देख सकते हो इसका जो योक कॉइल देखिए बहुत बड़ा सा योक कॉइल है और स्क्वायर टाइप, मतलब ये अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब है। और ये जो PCB देखिए LG का ओरिजिनल PCB है। और इसका अंदर आप अच्छा करके देखने के बाद पता चलेगा कि इसका जो वर्टिकल IC का हीट सिंक देखिए बहुत बड़ा है, मतलब ये एक्स्ट्रा हीट सिंक इसका अंदर कुछ भी अलग सा टेक्नीशियन लगाया। और इसका जो ओरिजिनल हीट सिंक देखिए काला वाला, ठीक है। तो ये जो काला वाला हीट सिंक वो ओरिजिनल है और ये एक्स्ट्रा हीट सिंक लगाया, मतलब ये जो वर्टिकल IC पहले से एक बार चेंज हो गया। तो यहाँ से आप टारगेट कर सकते हो सकता है ये IC भी दोबारा फॉल्ट हो गया ओवर हीट का बजाय, ठीक है। तो ओवर हीट को कंट्रोल करने के लिए इस तरह हीट सिंक यूज़ किया है। तो चलिए फर्स्ट कुछ वोल्टेज चेक करना पड़ेगा वर्टिकल IC का, ठीक है। चलिए मैं आपको PCB उल्टा करके दिखाता हूँ। दोस्तों PCB को मैं उल्टा किया, आप देखिए ये जो वर्टिकल IC का पोजीशन है। तो कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले वर्टिकल IC का वोल्टेज एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो वर्टिकल सप्लाई देखिए ESD का ये दो पिन से आउटपुट होता है, देखिए 14 लिखा है यहाँ पर, आपको साफ करके दिखाता हूँ। एक्चुअली दो पिन से 14 वोल्ट, बीच में एक रेजिस्टेंस है, मतलब दो लाइन के अंदर दो रेजिस्टेंस देखा जाता है। यहाँ से एक डायोड का पास जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई और एक जो डायोड यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई मिलता है। तो चलिए सप्लाई देके एक बार वोल्टेज टेस्ट करके देखता हूँ कि कितना वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ वोल्टेज फर्स्ट टाइम टेस्ट करना पड़ेगा, ओनली मेल सप्लाई चेक करने के बाद हो सकता है पता चलेगा। देखिए इसका पॉजिटिव सप्लाई ओके है, 14 वोल्ट मिलना चाहिए, 13.9 ये ओके है। और माइनस लाइन पर जो माइनस वोल्ट होना चाहिए, चलिए मैं चेक करके देखता हूँ। तो यहाँ पर जो माइनस वोल्ट दोस्तों देखिए 6 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह बहुत कम है। तो दोस्तों ये वोल्ट क्यों कम है, तो चलिए मैं आपको और क्लियर करके दिखाता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ। ये जो लाइन बीच में एक रेजिस्टेंस है, बीच में एक डायोड है, और यहाँ पर जो माइनस वोल्ट होना चाहिए ये माइनस वोल्ट देखिए 6.1 वोल्ट। तो दोस्तों ये वोल्टेज का एक प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद आएगा कि ये सेक्शन का जो IC ये भी फॉल्ट हो सकता है क्या। तो ये वोल्टेज प्रॉब्लम है कि IC शॉर्ट है, तो फर्स्ट IC को ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों देखिए, मैं ये आईसी को ओपन किया, ये आईसी नंबर भी आपको दिखाता हूँ 4865, ये जो आईसी नंबर है आप अच्छा करके देखने देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ TDA 4865 AJ ये आईसी है। बट दोस्तों ये पोजीशन पर 6564 63 इस तरह आईसी यूज़ होता है। बट दोस्तों ये जो 65 आईसी, इसका वोल्टेज बहुत हाई है और ये मार्केट का अंदर ओरिजिनल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और जिस इलाका पर मिलते हैं उसका रेट बहुत ज़्यादा है और मार्केट के अंदर अधिकतर लोकल आईसी देखा जाता है, जो लगाने के बाद कुछ दिन के अंदर ही वो शॉर्ट हो जाता है और आईसी ओवरहीट हो जाता है। तो इसी कंडीशन पर तो चलिए एक बार वोल्टेज चेक करके देखता हूँ। आईसी तो मैं ओपन किया, माइनस लाइन पर अभी कितना वोल्ट आ रहा है, तो ये जो डायोड का नेगेटिव साइड, तो अभी मीटर पर तो दोस्तों 1.5 वोल्ट, मतलब वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, फर्स्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास मिला। तो चलिए प्लस लाइन पर, प्लस लाइन पर माय गॉड 17 वोल्ट है। तो इसका मतलब आईसी लगाने का कंडीशन पर आईसी से बैकिंग वोल्टेज हुआ पर आ गया, इसलिए 5 वोल्ट फर्स्ट टाइम शो मिला, ठीक है। तो अभी इसी टाइम कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो चलिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी टाइम अच्छा करके ये लाइन को चेक करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ओके है, क्वांटिटी मिल रहा है, और ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो माइनस लाइन का रेजिस्टेंस ओपन हो गया। और ये डायोड भी एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डायोड शॉर्ट होने का रीजन से भी रेजिस्टेंस काट जाता है। तो दोस्तों ये मीटर कॉर्ड इधर उधर घुमा के टेस्ट करने का बाद पता चला कि डायोड भी ओके है, ठीक है। तो एक्चुअली ये सप्लाई लाइन का माइनस सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस फॉल्ट है, रेजिस्टेंस ओपन हो गया। चलिए मैं पीसीबी ऊपर से आपको दिखाता हूँ कौन पोजीशन का रेजिस्टेंस है, ठीक है। दोस्तों ये वर्टिकल सप्लाई का लाइन का जो रेजिस्टेंस है 1 ohms 2 ohms 2.2 ohms 3.3 ohms, इस तरह रेजिस्टेंस यूज होता है, ठीक है। जो EST से वोल्टेज वर्टिकल आईसी पर जाता है, और EST पिन पर कितना वोल्ट होना चाहिए, AC 22 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार आपको ये दो रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, ये जो छोटा छोटा रेजिस्टेंस देखिए, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। ये जो माइनस लाइन का एक रेजिस्टेंस है वो फॉल्ट हो गया। तो चलिए ये रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि वापर वोल्टेज जो माइनस वोल्ट वो बांधता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों रेजिस्टेंस को मैं चेंज किया, अभी मैं आईसी को ओपन करके ही रखा हूँ, फास्ट देखूंगा कि इसके अंदर प्रॉपर वोल्ट आता है कि नहीं, ठीक है। आपको बहुत वीडियो के अंदर बताया कि ये रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपको एक बार चेक करके देखूंगा, कि आपको बहुत वीडियो के अंदर बताया है कि कुछ भी टीवी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले वोल्टेज गड़बड़ देखेगा तो फास्ट आपको वोल्टेज को रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद देखूंगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है, प्रॉपर वोल्ट मिलेगा कि नहीं। तो ये डायोड पर थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों, तो हो सकता है पीसीबी पावर स्विच ऑफ हो गया पीसीबी पलटने का समय, तब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा। और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को मैं काट किया, क्योंकि मैं जिस टाइम काम किया एक ऐसा कैमरा काट रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सही से ये पोजीशन दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कैमरा को काट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वोल्ट कितना है देखिए दोस्तों, माइनस वोल्ट माइनस 16 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और चलिए जो प्लस लाइन है वहाँ पर भी वोल्टेज एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, माइनस वोल्ट तो ओके हो गया, और प्लस लाइन पर प्लस 16 वोल्ट तो ये भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये अनलोड कंडीशन पर है, क्योंकि वर्टिकल आईसी ओपन है, तो अभी इसी टाइम वर्टिकल आईसी लगा के देखना पड़ेगा। और अभी इसी टाइम स्क्रीन का अंदर जो स्ट्रेट लाइन देखिए पूरा मिडिल है, लेफ्ट और राइट पूरा मिडिल है। तो चलिए आईसी लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आता है। आईसी लगाने का पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम को पर मैं एक सेकेंड चैनल बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स 4M नाम का वो चैनल है। तो वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वो वीडियो का वो चैनल का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके वो चैनल के साथ बने रहिए। और हो सकता है ये चैनल कुछ दिन के अंदर डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ वो जो न्यू चैनल मैंने बनाया वो चैनल का अभी सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मैं आईसी लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों आईसी मैं लगाया, क्योंकि वो जो पुराना वाला आईसी फॉल्ट हो गया था, और आईसी लगाने के बाद जब मैं सप्लाई दे दिया कि इसका स्क्रीन फुल हो गया। तो अभी आईसी लगाने के बाद यहाँ पर जो माइनस वोल्ट एक बार चेक करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए प्रॉपर माइनस 14 वोल्ट आ गया लोड कंडीशन पर।
जो 16 वोल्ट था अनलोड कंडीशन पर, और प्लस लाइन पर देखिए प्लस 14 वोल्ट, ये भी ओके हो गया। तो दोस्तों ये आईसी आपके पास नहीं मिलेगा तो आप ये आईसी को मॉडिफाई करके 78041, 78045 इस तरह वर्टिकल आईसी आप यूज़ कर सकते हो। उसका ऊपर मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल वीडियो बनाया और वो भी लॉन्ग टाइम चलता है, ठीक है। और ये आईसी का आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज देने को नहीं मिलता है, 0.5 वोल्ट इस तरह वोल्टेज देखा जाता है। और यहाँ पर जब वोल्टेज आएगा तो दोस्तों टीवी को लॉन्ग टाइम सप्लाई देके मत रखिए, ठीक है। तो और क्या बात होंगे वीडियो के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि कौन प्रॉब्लम से, ठीक है, ये प्रॉब्लम मिला तो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो प्ले करके देखना पड़ेगा। दोस्तों अभी मैं ऑडियो वीडियो कॉड इनपुट कर दिया और आपको पिक्चर देके भी देखाऊंगा कि पिक्चर किस तरह आता है, तो पिक्चर भी ओके आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद आप स्क्रीन पर फॉलो कर सकते हो, देखिए पिक्चर बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों ये चैनल पर अपना है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।